वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? हम सब बढ़िया हैं। और आज सुबह ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी हो रही है, तो बना रही हूँ पालक के पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी। अनी को लंच में तो मैं सिर्फ पालक के पराठे दूंगी और आलू गोभी की सब्ज़ी तो वो आके खाएगा। और पालक मेथी वगैरह डाल के मैं पराठे या रोटी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अनी सब्ज़ी ऐसे ठीक से नहीं खा पाता है, तो वो इसमें मैश करके आराम से खा लेता है। पालक की सब्ज़ी तो खा लेता है लेकिन मेथी की सब्ज़ी ठीक से नहीं खाता है वो। तो बच्चों को हरी सब्ज़ियाँ खिलाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि उनको किस तरह से खिलाएं। सब्ज़ी बन रही है तब तक पराठे भी बना लेते हैं। और सब्ज़ी में मैं टमाटर बाद में डालूंगी, नहीं तो वो गलती नहीं है गोभी ठीक से। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से पका लूंगी तो बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। टमाटर भी मैंने डाल दिया और इसके ऊपर हल्का सा नमक ज़रूर डालती हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए। गरम गरम पराठों के साथ ऐसी कोई सूखी सब्ज़ी हो तो बहुत ही अच्छी लगती है, और वो भी ब्रेकफास्ट या अगर आप लंच कर रहे हो उसमें। तो अपनी सब्ज़ी और पराठे दोनों तैयार हो गए हैं। गौतम के लिए मैं पराठे की जगह रोटी बनाऊंगी इसकी। तो ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो गया है और अनी का मैंने लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है, और अब जाती हूँ उसको उठा देती हूँ। अनी को स्कूल भेजने के बाद आती है केली की बारी, और केली किचन में आ गई है मेरे साथ, तो उसको अलग अलग डिब्बों के साथ देखना है, खेलना है। इसके बाद हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, और केली भी ब्रेकफास्ट करके सो जाती है थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद जो है किचन की हालत देखिए, ब्रेकफास्ट के बाद क्या हालत होती है। और जब मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि केली का सोना 10-15 मिनट का ही होता है, उसके बाद वो उसको ज़रूरत होती है कि मम्मा पास में हो। तो केली से फ्री होके थोड़ा सा किचन को अभी ठीक ठाक कर लेते हैं, इसकी सफाई कर देते हैं, क्योंकि स्लैब वगैरह सब कुछ गंदी हुई रहती हैं और यहाँ फिर चींटियाँ बहुत आ जाती हैं। और बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी थी, लेकिन केली फिर टूट गई थी तो मैंने ऐसे ही सब बीच में छोड़ दिया था। और उसके बाद अनी भी आ गया स्कूल से, और तब मैंने फिर जो पूरी ठीक से क्लीनिंग थी वो की। तो मैंने किचन को तो बढ़िया से साफ़ कर दिया, लेकिन मुझे पूरा दिखाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि केली और अनी दोनों साथ में अकेले थे, और केली बेड पे थी तो पता चले वो गिर जाए, इसलिए मैं फटाफट से किचन में से चली गई उसके पास। ऐसे लेट गए।
कैसे लेटा किलू? और लंच वगैरह हम लोगों का हो गया है और मैं लेट गई थी और केली को मैंने बिठाया हुआ था तो वो भी मेरे पास आराम से आके तुरंत लेट गई। और बच्चों को अब थोड़ा सुला देते हैं, थोड़ा अनी को रेस्ट मिल जाएगा और केली को भी। केली सोती नहीं है अनी के सोए बिना और वो दोनों मस्ती करते रहते हैं। तो अब शाम का टाइम है और अनी के पढ़ने का टाइम है तो अब उसको स्टडी करा देते हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम मंडे से उसके स्टार्ट होने वाले हैं। और ये क्या है? ये किचन इसमें क्यों लटका है? हैं? किचन क्यों लटका है इसमें? मैं तो ऐसे ही करता हूँ। थैंक यू। अनी की हालत तो आप देख ही रहे हैं। मैंने उससे अपनी पानी की बोतल मंगाई थी और वो बैग में सब कुछ लटका के लेके आया और पानी की बोतल भी। तो बस आज आपके साथ ये छोटा सा ही व्लॉग शेयर कर रहे हैं। और आपको अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।